कोरोना संकट के बीच साउथ गोवा के एक अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेकर आए टैंक से गैस लीकेज होने लगी और देखते ही देखते ऑक्सीजन की ये लीकेज काफी तेज हो गई। पूरे अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन गैस के फैलने से धुआं धुआं हो गया। गैस लीकेज की खबर पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कोरोना का कहर पूरे देश में अपने चरम पर है। इस बीच गोवा सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों को रोकने के लिए राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आइवरमेक्टिन की दवा देने की घोषणा की है, लेकिन WHO ने इस दवा का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन ने एक ट्वीट में बताया कि नए लक्षण के लिए किसी भी दवाई का उपयोग करने में उसकी सुरक्षा और प्रभावी क्षमता को जानना महत्वपूर्ण है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया फॉर्मूला दिया है। उनका कहना है कि अभी देश में दो कंपनियां ही वैक्सीन बना रही हैं। ऐसे में इनसे वैक्सीन का फॉर्मूला लेकर उन कंपनियों को देना चाहिए जो वैक्सीन बनाना चाहती है। इससे वैक्सीन का उत्पादन और बढ़ जाएगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ ही दिन के लिए वैक्सीन बची है। कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस ने कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक अभियान चलाया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर #SpeakUpSaveLives कैंपेन शुरू किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हमारे देश को इस संकटपूर्ण समय में मदद की जरूरत है, आइए हम सब अपनी जान बचाने के लिए कुछ करते हैं। कोरोना पर हो रही राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को सोनिया गांधी की ओर से की गई पार्टी कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें एक पत्र लिखा है और राजनीति न करने की सलाह दी है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि मौजूदा संकट काल में कांग्रेस के आचरण से दुखी लेकिन आश्चर्य नहीं। मंगलवार को जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि पप्पू यादव ने कोरोना काल में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया है और राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कोरोना संक्रमित कर मुझे मरवाना चाहते। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना में भी अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में तय किया गया कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से बुधवार से तेलंगाना में 22 मई के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही 4 घंटों की छूट दी गई है। इस बीच सभी बाहर के काम कर लेने तेलंगाना के अलावा और भी कई राज्यों में लॉकडाउन लागू है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के ताजा हालातों को लेकर मीडिया को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, अगर कोई मरीज अस्पताल से रिकवर होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो भी RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से इस याचिका को लेकर अपना जवाब दाखिल किया। वहीं हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 मई तय की है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से जवाब को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण का बचाव किया। केंद्र ने कहा कि मजदूर इस काम में कोरोना कर्फ्यू से पहले ही जुट गए थे। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। इससे पहले पिछले लगातार 4 दिन शेयर बाजार में तेजी आई थी। मंगलवार को सेंसेक्स 341 अंक यानी 0.69% नीचे 49,162 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 92 अंक यानी 0.61% की गिरावट के साथ 14,851 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 424 यानी 0.86% मजबूत हुआ।